नमस्कार, मैं अदिति आप सभी का हुजूर्स किचन में स्वागत करती हूँ। आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, उसका नाम है क्रेम ब्रूले फिरनी, जो कि हम घर पे बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी भी है, बहुत ही ईजी है। क्रेम ब्रूले का मतलब होता है क्रीम, और ब्रूले का मतलब होता है हम किसी चीज़ को ऊपर से थोड़ा जला देते हैं वो। तो आज हम उसी फ्लेवर की फिरनी बनाएंगे। आप इसको इंडियन क्रेम ब्रूले भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि रेसिपी हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमने दूध लिया है, आधा लीटर दूध है, इसको गर्म करने के लिए रखा है। और फुल क्रीम मिल्क लेंगे हम यहाँ पे। आप गाय का, भैंस का, किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन फुल क्रीम लेंगे, उससे ही इसमें अच्छा टेस्ट आता है। जब तक ये दूध उबल रहा है तब तक यहाँ पे हमने 4 बड़े चम्मच चावल का आटा लिया है। इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगे इसमें, जिससे कोई लम्स ना रहे। पहले थोड़ा सा दूध डाल के फेंटेंगे, फिर इसमें थोड़ा और दूध डालेंगे जब ये अच्छे से फेंट जाएगा। देखिए ये स्मूथ पेस्ट हो चुका है एकदम, इसी तरीके का लेंगे इसको। और इसमें थोड़ा और दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल के आटे से बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। आप चाहें तो चावल भिगा के उसको पीस के भी ले सकते हैं, पर हम यहाँ पे चावल के आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे, और दूध जो है वो मीडियम हीट पे ही हम गर्म करेंगे, फुल पे नहीं करेंगे, जिससे वो अच्छे से गर्म हो और दूध की थिकनेस जो है वो और बढ़ जाए। बीच में इसको चला देंगे जिससे इसमें बहुत अच्छा जो टेक्सचर आता है वो आ जाए। इसलिए देखिए इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, लगातार इसको नहीं चलाना है। ये देखिए हमारा दूध उबल चुका है। ये जो हमने चावल का पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे बैठ जाता है और ये आपका नीचे चिपक जाएगा और आपका दूध गाढ़ा नहीं हो पाएगा। और इसको हम पकाएंगे 8 से 9 मिनट के लिए। लो हीट पे रख रखा है इस समय मैंने गैस, लो हीट पे करके 8 से 9 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे ये चावल का आटा जो है इसमें अच्छे से पक जाए और हमारा ये जो फिरनी है ये अच्छी गाढ़ी हो जाए। जब ये अच्छे से पक जाएगी तब हम इसमें चीनी डालेंगे, आप चीनी स्वाद के अनुसार डालें। यहाँ पे मैंने 5 चम्मच चीनी ली है, बड़ी चम्मच से, और इसको लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद ये हल्का सा पतला होगा, चीनी अपना पानी छोड़ेगा इसमें। तो इसको लगातार चलाते हुए चीनी को अच्छे से मेल्ट होने तक पका लेंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, ये पक चुका है, ये हमारी फिरनी रेडी है। अब मेरे पास यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ये बोल थे, इनमें मैं इनको सेट करूँगी। आप चाहे तो इसको एक साथ भी रख के कर सकते हैं, इसको इसमें डाल के सेट करके ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम यहाँ पे जो हम ऊपर ब्रूले करेंगे उसकी तैयारी करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टॉर्च नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक बर्तन में चीनी को हम मेल्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी लिए हैं, ब्रेकर हम जब बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर किसी डेजर्ट शॉप में हम लेते हैं, तो वहाँ पे वो टॉर्च रहती है उनके पास, उससे वो जो ऊपर चीनी होती है उसको मेल्ट करते हैं। पर घर पे हमारे पास नहीं रहती है टॉर्च, तो हम इस तरह से चीनी मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हो चुका है ये मेल्ट। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इस स्टेज पे इसको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा, और हम इसको इस तरह से इसके ऊपर फैला देंगे। ये देखिए इसी तरह से बाजार में आपने देखा है, वो देते हैं वो ऊपर से चीनी मेल्ट कर देते हैं। हम इस तरह से लेके जल्दी जल्दी इसमें सब में चीनी जो है वो ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये जो सिरप है चीनी का
देखिए इस तरह से सब में कर दीजिए। आप चाहे तो इससे डिज़ाइन भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। ये देखिए, ये तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं वही इसमें टेक्सचर है। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। इसी तरह से हमारा वीडियो देखते रहें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।